दोस्तों, आप सभी को द इनविजिबल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे श्रीनगर का टूरिस्ट स्पॉट्स और साथ में छोटा छोटा किस्सा, ताकि आप सिर्फ वीडियो देखेंगे नहीं, इसका हर पहलू को महसूस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप श्रीनगर जा रहे हो बाय एयर, तो लौटते वक्त हाथ में जरूर समय रखें, क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट के बाहर आपको अपना लगेज चेक करना पड़ेगा और उसमें समय लगेगा। दोस्तों, मैं ऑलरेडी 3 एक्सक्लूसिव वीडियो श्रीनगर का शेयर किए हैं, अगर आप अभी तक देखे नहीं है तो जरूर देखें, क्योंकि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। श्रीनगर में अगर पुराने मुगल जमाने का किला देखना है तो जरूर हरी पर्वत देखिए। हरी पर्वत श्रीनगर में डल झील के पश्चिम में स्थित हरी पर्वत को कुह-ए-मारन के नाम से भी जाना जाता है। इस मुगल संरचना का निर्माण 18वीं शताब्दी में एक अफगान गवर्नर अत्ता मोहम्मद खान ने करवाया था। बाद में 1590 में सम्राट अकबर द्वारा एक लंबी दीवार का निर्माण कराया गया। यहां जाते समय आपको इस ऊंची किला से बाहर श्रीनगर का दृश्य एक अद्भुत अनुभव महसूस कराएगी। शंकराचार्य टेंपल सम्राट अशोक के पुत्र जालुका ने लगभग 200 ईसा पूर्व इस शंकराचार्य मंदिर का निर्माण कराया था। 1100 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर श्रीनगर के प्रसिद्ध पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी नशीली सामान जैसा तंबाकू सिगरेट आप नहीं ले जा सकते हो, आपको बाहर ही रखना पड़ेगा सिक्योरिटी गार्ड के पास, पर लौटते वक्त आपको नहीं मिल भी सकता है, इसीलिए अगर साथ ये सब सामान है तो अपना गाड़ी में ही रखें। परी महल जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आप देखेंगे एक 7 सीढ़ीदार उद्यान। ये उद्यान की संरचना मुगल सम्राट शाहजहां के सबसे बड़े बेटे मुगल राजकुमार दारा शिकोह द्वारा 1600 के दशक के मध्य में बनवाया गया था। राजकुमार दारा शिकोह उत्तराधिकारी थे, लेकिन अपने पिता के समर्थन के बावजूद वो औरंगजेब से हार गया, जो तब अगला सम्राट बना। कला के संरक्षक राजकुमार को उनके चित्रों और सुलेख के संग्रह के लिए जाना जाता था, जिसे दारा शिकोह कहा जाता था, जिसे बाद में उनकी पत्नी नंदीरा बानो को प्रस्तुत किया गया था। चश्मा शाही गार्डन श्रीनगर में चश्मे शाही उद्यान मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा डल झील के किनारे निर्मित सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, और ये एक विशिष्ट मुगल उद्यान है। चश्मे शाही नाम का अर्थ है द रॉयल स्प्रिंग, क्योंकि उद्यान एक झरने के साथ बनाया गया है। जम्मू और कश्मीर पर्यटन विभाग वर्तमान में बगीचे का मालिक है और उसका प्रबंधन करता है। हजरतबल मस्जिद कश्मीर में सबसे पवित्र तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है हजरतबल। ये वो जगह है जहां पैगंबर मोहम्मद के बालों का एक कतरा संरक्षित है। हजरतबल दरगाह के अवशेष सैयद अब्दुल्ला द्वारा भारत लाए गए थे, जिन्हें मोहम्मद का वंशज माना जाता था। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे सैयद हामिद को अवशेष विरासत में मिला, हालांकि वह इसकी देखभाल करने में असमर्थ थे, और इसे मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान एक अमीर कश्मीरी व्यापारी ख्वाजा नूर उद्दीन ईशाई को बेच दिया। जमिया मस्जिद नौहट्टा में स्थित, जिसे डाउनटाउन भी कहा जाता है, जामा मस्जिद कश्मीर घाटी की सबसे बड़ी मस्जिद है और श्रीनगर में पर्यटकों के लिए शीर्ष आकर्षणों में से एक है। मस्जिद का प्रमुख स्थान प्रभावशाली वास्तुकला, बड़े आकार के साथ साथ ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व इसे श्रीनगर में देखने के लिए काफी लोकप्रिय स्थान बनाता है। हर शुक्रवार को पवित्र जामा मस्जिद में हजारों की संख्या में श्रद्धालु नमाज अदा करने के लिए उमड़ते हैं। जामा मस्जिद की वास्तुकला पर इंडो सरसेनिक शैली का प्रभाव है।
370 लकड़ी के खंभों वाला एक शानदार प्रांगण जामा मस्जिद के आकर्षण में इजाफा करता है। जामा मस्जिद के उत्तर, दक्षिण और पूर्वी किनारों पर तीन प्रवेश द्वार हैं, जिनमें तीन बुर्ज देवदार की लकड़ी के ऊंचे स्तंभों पर खड़े हैं। मस्जिद आकार में बड़ी है और इसमें एक बार में 33,333 लोग बैठ सकते हैं। दोस्तों, इस मस्जिद इतना बड़ा है, आप इस वीडियो देख के इसका अंदाज लगा सकते हो। और इसका अंदर झरना और इसका आर्ट आपको जरूर लुभाएगी। अगर आप श्रीनगर में घूमने का प्लान करते हो तो जामिया मस्जिद जरूर जाएं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। घूमने का संबंधित ढेर सारे वीडियो देखने के लिए जरूर चैनल के साथ बने रहिए, और इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो खुद ही आपके पास पहुँचे। इस सब के अलावा और भी कुछ छोटा छोटा ट्रेवल स्पॉट हमने शेयर किए, वो देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।